अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेरवानी का कटिंग दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, शेरवानी का लेंथ 43 इंच है, 44 इंच चेस्ट है, 40 इंच बेस्ट है, 44 इंच हिप है, सारे 19 इंच शोल्डर है और आस्तीन का लेंथ है 26 इंच, 13.5 इंच क्योनी का है और 16.5 कॉलर है, 11.5 मोरी है, 17 इंच आरमोल है। मैं इसमें 4 इंच लूजी रख ले लिया हूँ ये चेस्ट बेस्ट में। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सीधा एक मार्क लगा लेंगे और ये इसको देख लेंगे, ये फूल किधर जा रही है। ये फूल ऊपर जा रही है, ये शेरवानी में कभी भी फूल है ना ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो हम इसको यहाँ पे ऊपर डालेंगे। तो हम यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, सीधा एक मार्क। पे मार्क लगाएंगे 1.25 इंच का, यहाँ पे 8.5 इंच का बेस्ट का मार्क, 17 इंच का, 25 इंच हिप का। अब यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, 3 इंच का मार्क लगाएंगे। अब इसको सीधा मार्क लगा लेंगे। कंधे का मार्क लगाएंगे, 19.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, 0.5 इंच मार्जिन लगाएंगे और चेस्ट 44 इंच, 44 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1.5 इंच इसमें ज़्यादा लगाएंगे मार्जिन। अब इसमें 40 इंच बेस्ट है, चौथा हिस्सा 10 इंच, इसमें भी 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन लगाएंगे। 44 भी हिफ है, चौथा हिस्सा 11 इंच आ रही है, इसमें भी 1.5 इंच फालतू मार्क लगाएंगे। और यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगाएंगे। अब सीधा एक मार्क ले लेंगे, इसका चेस्ट है 40 इंच, ये देखिए 40 इंच चेस्ट है। तो हमने 4 इंच लूजिंग दी है, फिटिंग है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच अंदर डाउन करेंगे आर्मोल में। फिलहाल में हम इसको गोलाई कर लेते हैं। सारे 16 कॉलर है, पीछे का कॉलर, पीछे का गोलाई रहेगी 7.5 इंच, 7.5 इंच गोलाई रहेगी, यानी उसका 0.5 हिस्सा 4.25। तब यहाँ से हम इसको गोलाई बैठाएंगे। यहाँ मार्क लगा लिया, अब इसको यहाँ से गोलाई कर लेंगे। कॉलर यहाँ से लगेगी, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद, क्योंकि जगह ये छोटा है, यहाँ तक कटिंग करने के बाद फिर नीचे लेंथ ना। हम इसको फोल्ड करेंगे, कपड़ा को आगे खसकाएंगे।
अब यहाँ पे मार्क लगा लेंगे, 43 इंच लेंथ आ जाएगी और 2 इंच फालतू रहेगी फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से सीधा एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से एक सीधा एक मार्क लगा लेंगे, थोड़ा क्रॉस कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा था ये हिप की तार ही, वहाँ देख लेते हैं। ये देखिए ये टोटल 12.5 इंच आ रही है, तो यहाँ पे हम कम से कम रखेंगे, 12.5 इंच आ रही है ना, तो 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, 14 इंच रहेगी। अब यहाँ पे एक सीधा मार्क लगाएंगे, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। और ये बहुत अर्जेंट में सीना है हमको, तो इसमें ये शॉर्ट कट में मेरे को बनाना है ये शेरवानी। यहाँ पे हम मार्जिन लगाएंगे 1.5 इंच का, यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्क लगा के सीधा मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसका गहराई 1.5 इंच करेंगे। और थोड़ा आलमोल का दबाव, चेस्ट है 44 इंच, तो पहले हम यहाँ एक मार्क लगा लेंगे। चौवालीस इंच चेस्ट है ना, फिर तो उसका चौथा हिस्सा रखेंगे 11 इंच, 40 इंच है, तो चौथा हिस्सा 10 इंच पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे हिप के पास 44 है, 44 का चौथा हिस्सा 11 इंच पे मार्क लगा लेंगे और ये पल्ला को इसी हिसाब से बैठा लेंगे। यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे थोड़ा क्रॉस में, फिर इसको ऐसा गोलाई कर लेंगे। अब इसके हिसाब से यहाँ तक कट कर लेंगे, फिर इसको अब हम आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन का लेंथ है 26 इंच, 26 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच फालतू रहेगी और 13 इंच पे मार्क लगाएंगे, 13.5 इंच क्यों नहीं है, थोड़ा बढ़ा लेंगे। सत्रह इंच आर्मोल है, तो 8.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये हम कोट के जैसा इसका आर्मोल नहीं काटेंगे, क्योंकि इसका आर्मोल कोटे के जैसा सेम कटती है, लेकिन हम कोट के जैसा नहीं कट करेंगे,
ये जो कस्टमर है उन्हें बहुत जल्दी में चाहिए, बिना अस्तर का है, तो जितना शॉर्टकट काम करना है इसमें जितना कम टाइम लगे उतना कम टाइम में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन अस्त में वैसा ही तैयारी आएगी, मैं इसको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगा। अब इसको यहाँ से दो इंच का मार्क लगाएंगे, दो इंच पे है ना, इसको गोलाई करते हुए ऐसे कट कर लेंगे। हमारा कंप्लीट हो गया ये आस्तीन, ये फ्रंट बैग। अब इसको स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा वीडियो।